आखिर सावन की बायोपिक पर जावेद अख्तर ने किया बड़ा खुलासा, क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बता दें। दोस्तों पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने ये साफ साफ ऐलान कर दिया है कि जावेद अख्तर उन पर बायोपिक बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर राखी सावंत ने ये तक कह डाला था कि जावेद अख्तर ने उन्हें एक साल के पहले फोन भी किया था। फिलहाल हम आपको बता दें कि इस खबर के बाद राखी सावंत के फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि चलो बायोपिक के बहाने राखी सावंत के जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू जानने को मिलेंगे। लेकिन अब जो है हम आपको बता दें, जावेद अख्तर का इस पर रिएक्शन आया है, यानी कि जावेद अख्तर ने राखी सावंत की बायोपिक पर तोड़ दी है चुप्पी और यहाँ पर खोल दी है ड्रामा क्वीन की पोल। दरअसल हम आपको बता दे कि इस मुद्दे पर जावेद अख्तर ने कहा, हाँ ये खबर सच है, मैंने राखी सावंत से उसकी बायोपिक बनाने के बारे में बात की थी। 5 साल पहले मैं और राखी सावंत एक फ्लाइट में टकराए थे। इस सफर में राखी सावंत ने अपने बचपन के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। आगे जावेद अख्तर ये भी कहते हैं, राखी सावंत की बातें सुनकर मैं हैरान था। मैंने राखी सावंत से वादा किया था कि मैं उसकी जिंदगी पर स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। राखी सावंत की बायोपिक लिखने में मुझे बहुत खुशी होगी। अब भाई जावेद अख्तर के इस खुलासे से ये साफ हो गया है कि वो राखी सावंत की बायोपिक में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब ये बात तो जावेद अख्तर भी जानते हैं, राखी सावंत जो है टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी की वजह से वो चर्चे में रहती हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि बिग बॉस 14 के घर में राखी सावंत ने जमकर अपने फैंस को एंटरटेन किया और साथ ही बवाल भी मचा था बिग बॉस के घर में राखी और अभिनव शुक्ला के रिलेशनशिप को लेकर। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? राखी सावंत की बायोपिक देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।